मंच पर विराजमान सभी महानुभाव और महाराजा सहजराव जी की 150वीं जयंती के निमित्त बड़ौदा के नागरिकों को बहुत बहुत अभिवादन, बहुत बहुत अभिनंदन। पिछले 3 वर्ष से बड़ौदा जैसे एक छोटे शहर ने विश्व के मैराथन के नक्शे पर अपनी जगह बना ली है। 3 साल के भीतर भीतर बड़ौदा मैराथन ने गुजरात के भी छोटे मोटे शहरों को दौड़ने की आदत लगा दी है और इसलिए बड़ौदा सविशेष रूप से अभिनंदन का अधिकारी है। पहली बार जब मैराथन का प्रयास किया तब ट्रैफिक साइंस इस विषय को लिया था, दूसरी बार जब किया तब इस शहर को स्वच्छ बनाना, हरियाला बनाना उस पर सोचा था और आज तीसरे मैराथन पर सहजराव गायकवाड़ के 150वीं जयंती को उत्सव के रूप में मना करके इस शहर के विविध विकासों के कामों को बल देने की दिशा में प्रयास किया गया है। प्रारंभ करीब 20-25 हजार धावकों से हुआ था, आज वो संख्या 40 हजार को पार कर गई है। नौजवान मित्रों, बहुत बहुत बधाई आपको। दौड़ना ये सिर्फ शारीरिक कार्यक्रम नहीं होता है, मनुष्य के मन को गति के साथ जोड़ता है और जब जिंदगी में गति को प्राथमिकता आती है प्रगति सुनिश्चित हो जाती है और उस अर्थ में बड़ौदा की ये गति बड़ौदा की प्रगति की एक बहुत बड़ी मूल्यवान ताकत बनने वाली। मित्रों, इस प्रकार से मैराथन से एक सामूहिक शक्ति का एहसास होता है, हम अकेले नहीं हैं, पूरा कारवां हमारे साथ है और जब पूरा कारवां साथ होता है तब मंजिल बहुत निकट दिखती है और उस अर्थ में भी गुजरात ने जो विकास की नई नई ऊंचाइयों को पार करने का फैसला किया है, विश्व के सर्वोच्च स्थान पर बैठे हुए लोगों के साथ कंपैरिजन करते हुए गुजरात को आगे बढ़ाने का प्रयास किया है, उसमें यह ताकत जुड़ती है। पिछले 2 वर्ष से खेल महाकुंभ का जो हम अभियान चला रहे हैं, 18-20 लाख नौजवान खेल के मैदान में आते हैं, 40-45 करोड़ रुपए के इनाम दिए जाते हैं, गुजरात का नौजवान पसीने में नहाने लगा है और जब नौजवान पसीने में नहाता है तो पैसों की भी बौछार होती है, ये दुनिया ने देखा। हम एक सामर्थ्यवान, शक्तिवान